श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म हसीना पारकर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को देखने के बाद कहानी यूं तो समझ आ जाती है, लेकिन कहानी को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। कहानी है हसीना पारकर की, जो दाऊद इब्राहिम की बहन है। दाऊद जो हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। जब 90s का बॉम्ब ब्लास्ट होता है मुंबई का, तो उसके इल्जाम में दाऊद तो फरार हो जाता है, लेकिन उसकी बहन को पुलिस टॉर्चर करती है। किस तरह से उसकी बहन इस सोसाइटी से लड़ते हुए अपने लिए एक अलग जगह बना लेती है और अपने भाई का बिजनेस संभाल लेती है, ये कहानी बताती है फिल्म हसीना पारकर। श्रद्धा कपूर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। उनके करियर के उतार चढ़ाव उन्हें एक स्टेबल एक्ट्रेस के तौर पर अब तक स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं बॉलीवुड में। अगर ये फिल्म बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करती है तो श्रद्धा कपूर के करियर में ये एक लैंडमार्क फिल्म साबित होगी। श्रद्धा ने इसमें उम्र के ट्रांजिशन वाले रोल को प्ले किया है। एक तरफ तो काफी यंग श्रद्धा कपूर नजर आ रही है, दूसरी तरफ एक मैच्योर उम्रदराज श्रद्धा कपूर दिखाई दे रही हैं गैंगस्टर हसीना पारकर के किरदार में। श्रद्धा की एक्टिंग काफी अच्छी नजर आ रही है और कमाल की बात है कि पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही जाना पहचाना चेहरा है, वो है श्रद्धा कपूर का, तो पूरे ट्रेलर पर हावी हैं श्रद्धा कपूर। ट्रेलर को 5 में से 2.5 स्टार मिलते हैं। फिल्म कैसी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।